दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे ऑटोमेटिक पानी की टोटी। अगर आप इस पानी की टोटी के सामने हाथ डालेंगे तो ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा, आप अपने खुद आंखों से देख ले। और इसके बनाने की प्रोसेस के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसकी कीमत है 150 रुपये, एक चाहिए आपको आर्डुइनो बोर्ड जिसकी कीमत है 450 रुपये या फिर 300, और एक चाहिए रिले मॉड्यूल जिसकी कीमत है 150 रुपये, और एक चाहिए समर्सिबल मोटर जिसकी कीमत है 150 रुपये। तो इतनी सारी चीज़ों में ये प्रोजेक्ट बन जाए। और एक चाहिए अभी हमने जो है इसकी वायरिंग कर दी है, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दो तार हैं पॉजिटिव और नेगेटिव 5+ के हैं, तो मैंने ये जो है नेगेटिव दोनों को भी, इसको भी नेगेटिव दे दिया और इसको भी नेगेटिव दे दिया, और दूसरा जो है पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव दे दिया, यानी कि दोनों को भी मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिया है दोनों को भी। अब बच जाता है कि हमारा रिले मॉड्यूल का ये इन पिन जो कि इसको हम सिग्नल देते हैं, और इसका जो है एक ट्रिगर पिन और इसको इको पिन, तो बस इतना ही बच जाता है। इसमें कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हो इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया और इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया। अब हमारे पास 3 वायर बचते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसा है। देखिए बड़ा है, सिंपल है, जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया है ये वाला हमको जोड़ देना है। यहाँ पर GND आपको दिख रहा है GND, और यहाँ पर दिख रहा है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर हमें जो पावर है इसको यहाँ से पावर हमें देनी है 5 वोल्ट और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से हमें पावर देनी है। और बच जाते हैं हमारे 3 तार, तो 3 तार में से जो रिले मॉड्यूल का जो तार है वो जोड़ देना है हमें पिन नंबर 12। यहाँ पे देखिए 0 से लेके 12-13 तक पिन नंबर है, तो यहाँ पर भी ग्राउंड मिल जाता है लेकिन यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पिन नंबर जो 12 है, तो इस 12 नंबर पिन में हमको यहाँ पर ये पीला वाला तार जोड़ देना है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर जोड़ दूँगा पीछे ताकि मैं कहीं पर लूज़ कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहता हूँ। और ये जो है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर के ये जो 2 तार हैं, ये 2 तार बच जाते हैं, एक है इको सेंसर का और सॉरी एक है इको का और एक है ट्रिगर का। जो हमारा ट्रिगर का जो पिन जाएगा वो जाएगा पिन नंबर 9 में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 से लेके 13 तक है, तो ट्रिगर पिन जो है इसमें का ट्रिगर पिन जो है वो ये वाला जो है जाएगा 9 में, यहाँ पर जाएगा 9 में, और दूसरा जो है इको पिन वो जाएगा 8 में। तो बस यही कुछ फंक्शन है, अभी मैं इसको जोड़ता हूँ और आपको पूरा दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने इन दोनों को यहाँ से बोर्ड के अंदर से 5 वोल्ट दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट और नेगेटिव, तो दोनों भी तार मैंने यहाँ पे जोड़ दिए है। अभी बचे हैं हमारे पास सिर्फ 3 तार। इस कनेक्शन को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 1 मिलेगा, आप वो देख लो, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लो, इस वीडियो के एंड में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, उसके अंदर हमने इसके कनेक्शन अच्छी तरह से समझाए हैं। और साथ में ये जो सारी चीज़ें हैं आपको अगर ख़रीदना है तो इस सारी चीज़ों की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जो आप देख सकते हो मैंने पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों को भी दे दिया था, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को और दूसरा दे दिया था रिले मॉड्यूल को। और हमारा रिले मॉड्यूल का जो इन पिन था वो हमने जोड़ दिया पिन नंबर 12 के साथ, और हमारा जो इस सेंसर का अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो इको पिन है वो जोड़ दिया 8 नंबर में, और ट्रिगर पिन जो है वो जोड़ दिया हमने 9 नंबर में। अभी हमारे पास दोनों की कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह थी कि रिले जो बोर्ड है उसके ऊपर एक पॉजिटिव और नेगेटिव 5 वोल्ट देना है, और उसका बचा हुआ बीच का जो इन का जो पिन है वो जोड़ देना था आर्डुइनो बोर्ड के 12 नंबर पिन से। और अल्ट्रासोनिक सेंसर का कुछ इस तरह डाटा था कि हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 5 वोल्ट देना था अल्ट्रासोनिक सेंसर को। जो हमारे 4 तार थे उसमें 2 तार तो कट हो गए, अभी बचे हुए बीच में के जो 2 तार थे वो था एक ट्रिगर पिन जो कि जोड़ देना था आर्डुइनो बोर्ड के 9 नंबर पिन से, और दूसरा इको पिन जो जोड़ देना था आर्डुइनो बोर्ड के 8 नंबर पिन से।
तो यहाँ पर हमारा जो बाकी सब जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी हमें ये करना है इसकी टेस्टिंग, और अभी एक काम रह चुका है तो इस बोर्ड को हमें देना है 12 वोल्ट। आप चाहे यहाँ पर से दे सकते हो या फिर चाहे आप यहाँ पर से भी दे सकते हो। यहाँ पर लिखा है देखिए वी इन, तो वी इन पे हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे दो तार जोड़ देंगे, एक GND को और एक वी इन को। तो हमारा 12 वोल्ट अगर हम इसको देंगे, या फिर हमें 12 वोल्ट नहीं देना, वैसे तो मैं 9 वोल्ट दूंगा ताकि हमारा अच्छा से काम चले। 12 वोल्ट हो सकता है कि हमारे बोर्ड के अंदर कुछ तो दिक्कत आए, तो मैं चाहता हूँ कि इस बोर्ड को मैं 5 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट पर चलाऊँ। तो 7805 पे ICP मैं इसको चलाऊँगा, हम चाहे तो इसको 12 वोल्ट भी चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तार हम जोड़ेंगे और इसको वोल्टेज देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और फिर हम करेंगे टेस्टिंग और फिर करेंगे हम इसको बॉक्स के अंदर फिटिंग। दोस्तों इतना काम हो जाने के बाद आपको एक काम करना होता है कि हमारे आर्डिनो बोर्ड के अंदर आपको कुछ कोड डालने होते हैं, तो वो जो कोड है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो कैसे डालते हैं तो उसका जो वीडियो है आपको इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो एक जो केबल है हमें लगानी होती है आर्डिनो बोर्ड को, और दूसरी जो केबल लगानी होती है हमारे मोबाइल फ़ोन्स को, और इसके द्वारा हमें इस आर्डिनो बोर्ड के अंदर डाटा डालना होता है, तभी आर्डिनो बोर्ड हमारा काम कर जाता है। अब जो बारी आती है इसको वोल्टेज हम कैसे देंगे, तो मेरे पास एक पिन है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह मेरे पास एक पिन है, तो इसको बस यहाँ पे एक यहाँ पे पावर की पिन है, तो इसको अंदर यहाँ पे डाल देंगे हम। और ये बचे हुए जो दो तार हैं हम जोड़ देंगे इसको 9 वोल्ट की बैटरी, या फिर मैं आप 12 वोल्ट को भी जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैं हमारा जो बोर्ड है, तो यहाँ पे लाइट जल चुकी है, तो हमारा रिले मॉड्यूल भी है एक्टिवेट हो चुका है, हमारा रिले मॉड्यूल भी एक्टिवेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जली है, जैसे मैं हाथ लगाऊंगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, जैसे हाथ निकालूंगा वैसे ऑन हो जाएगी, जैसे हाथ लगाऊंगा वैसे ऑफ हो जाएगी। हमें वैसे इसका उल्टा करना है, इसके प्रोग्रामिंग के अंदर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा और फिर ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, जब मैं हाथ डालूंगा तो ये ऑन होना चाहिए और जैसे हाथ निकालूंगा वैसे ये ऑफ होना चाहिए, यानी कि इसका उल्टा करना है। आप ऐसे भी इस सर्किट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक NO और एक NC दोनों भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा जो रिले मॉड्यूल है वो हमेशा ऑन रहे। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, ताकि हम क्या करेंगे, जब मैं इसके सामने हाथ लाऊँगा तभी रिले ऑन हो जाए और तभी हमारी जो मोटर है ऑन हो जाए, और जैसे ही हाथ निकालूँ उसी तरह हमारी मोटर ऑफ हो जाए और रिले भी ऑफ हो जाए। बस यही है हमारा। तो चलिए दोस्तों, आखिर में हमारे सारे जो कनेक्शन हैं वो रेडी हो चुके हैं। और एक बात दोस्तों, इसका जो मुझे प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करने थे तो वो भी मैंने कर दिया है। अगर वो कैसे करते हैं आपको देखना है तो इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताई हैं। तो जैसा इसका डाटा था वैसे मैंने डाल दिया। तो अब बारी आती है इसको बॉक्स के अंदर फिटिंग की, और आपको थोड़ा सा टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे और बॉक्स के अंदर फिटिंग करके भी दिखाएंगे, तो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके कोडिंग के अंदर चेंजेस करने के बाद क्या फ़र्क आया मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं वोल्टेज दे देता हूँ, अभी जैसे ही हम हाथ अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने लाएंगे तो वैसे ही रिले एक्टिवेट हो जाएगा। पहले इसका विपरीत हो जाता था, रिले ऑफ हो जाता था, पहले से ऑन रहता था, तो मुझे यही चीज़ करना था, तो अभी मैंने इसको कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर पैकेज करेंगे ग्लू गन से वगैरह लगा के, तो पूरा चीज़ आप म्यूजिक के अंदर सुनिए तो आपको समझ में आ जाए।
अभी हमारी बची हुई है इस रेडियो मॉड्यूल के साथ वायरिंग। ये जो है हमारा बीच में का जो है कॉमन पॉइंट है, और इधर का येनो और इधर का एनसी। तो येनो के अंदर हमें क्या करना है कि दो ग्रीन वाले तार जोड़ देने हैं, क्योंकि ये जो दो तार हैं वही सबमर्सिबल मोटर को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने वाले हैं, यानी कि ये स्विच का काम करने वाले हैं। अब हमने इसको टेस्ट किया तो बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रिले मॉड्यूल के ऊपर एक एलईडी है, जो कि हाथ सामने लाती ही जल जाती है, यानी कि मोटर ऑन हो जाती है, और जैसे हाथ निकालेंगे वैसे मोटर ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और सक्सेसफुल भी हो चुका है। बस हमें एक ग्रीन वाले दो तार बाहर निकालने हैं और दो तार 12 वोल्ट के बाहर निकालने हैं। दोस्तों मैंने फिर से इसके अंदर एक बदलाव किया कि हमारा जो स्विच था 12 वोल्ट का वो जा नहीं रहा था इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर देखिए वी इन लिखा है और GND लिखा है, तो वहाँ से इसको हम आर्डिनो बोर्ड को डायरेक्टली 12 वोल्ट दे सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 7805 का IC लगा के इसको 5 वोल्ट तो यहाँ से करंट दे दिया है, ताकि हमारा जो बोर्ड रहे वो बहुत ही प्रोटेक्शन में रहे, क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ जीप के अंदर। ये जो पिन है हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इस बॉडी के अंदर बीट नहीं रही है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको 12 वोल्ट देना चाहता हूँ। और ये जो तार हैं अच्छी तरह से फिक्स बैठे हैं, इसलिए यहाँ से ग्लू गन लगा के इसको अच्छी तरह से पैक कर देता हूँ। बस इतना समझ लो कि बोर्ड को मैंने यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज है दे दिया है। तो बोर्ड हमारे इस बॉडी के अंदर से टोटली 4 तार आएंगे, दो तार जो होंगे वो होंगे 12 वोल्ट के, और दो तार होंगे स्विचिंग के, यानी कि जो रिले मॉड्यूल को जुड़े हैं वही। दोस्तों पहले जो मैंने टेस्ट किया था वो 9 वोल्ट के बैटरी पे किया था, अब जो टेस्ट करेंगे हम 12 वोल्ट के बैटरी पे। दोस्तों मैं इसको जिप के अंदर यूज़ करने वाला हूँ, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एम्पीयर की बैटरी होती है, इसलिए मैंने इसको 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ लाते ही लाइट ऑन हो जाती है, और जैसे ही हाथ निकालेंगे वैसे ऑफ हो जाती है। तो यही कुछ प्रोसेस है और कुछ नहीं। तो आखिर दोस्तों जो हमारा जो एम था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं जब भी हाथ यहाँ पे डालूंगा तो पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जैसे हाथ निकालूंगा वैसे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फिर सबसे पहले अभी बात करते हैं वायरिंग की। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली मैंने किस तरह किया है। अभी ये जो आपको दो तार दिख रहे हैं वो आर्डिनो बोर्ड के हैं, क्यों, ताकि हम आर्डिनो बोर्ड को 12 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करने के हैं। और यहाँ से मैंने 5 वोल्ट कन्वर्ट करके दिया है, ताकि हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है वो हमेशा सेफ रहे। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे 12 वोल्ट भी दे सकते हो बोर्ड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगाना है ये कार के अंदर, तो कार के अंदर जो बड़ी बैटरी होती है तो उसका एम्पियर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का कन्वर्टर बटा दिया, यानी कि 7805 का IC बटा दिया। अगर आपको ये कैसे बनाते हैं, यानी कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए ये तो दो जो तार हो गए हमारे बोर्ड के, ताकि ये जो है कंट्रोल करेगा हमारे सर्किट को।
अभी ये जो दो तार दिख रहे हैं आपको, ये जो दो तार हैं वो जुड़े हैं रिले मॉड्यूल को। ये जो दो तार हैं हमारे स्विचिंग का काम करेगा, यानी कि हमारे मोटर को ऑन ऑफ करने का काम करेगा। यही समझ लो कि ये स्विच है, जैसे कि हम मोटर के एक तार के बीच में सीरीज में स्विच जोड़ते हैं, तो उसी तरह ये स्विचिंग का काम करेगा। एक हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और एक हमारे पास एक पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर है, तो इसकी भी दो तार हैं, तो टोटल यहाँ पे 6 तार हैं। तो अभी कनेक्शन मैं आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसके अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर हमारा सेंसर जुड़ा है, तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये नीचे की तरफ दो सेंसर हैं और एक पानी का पाइप है, और यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड, एक रिले मॉड्यूल और इसके अंदर सेंसर। तो बस इतनी तीन ही चीज़ें हैं यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे हम अभी यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जो आर्डिनो बोर्ड के दो हैं प्लस माइनस, इसको जोड़ देंगे, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव, यानी कि लाल कलर का जो तार है वो पॉजिटिव को जोड़ देना है। और जो ब्लैक कलर का जो तार है वह हमें ब्लैक के अंदर जोड़ देना है। तो दोस्तों ये हमने 12 वोल्ट का आपको हमेशा वायरिंग रखना होगा, इसको निकालना नहीं है। तो अभी देखिए ये सिर्फ ऑपरेट होगा अभी, ये देखिए आपको रिले की कटकट आवाज़ आ रही होगी। जैसे भी हम हाथ सामने लाएंगे तो ये जो है ये स्विच की तार है, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अभी आपको पनडुब्बी का इसका आपको वायरिंग बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक रेड और एक ब्लैक मिल रहा है, तो यहाँ पर भी बैटरी को ही रेड को रेड जोड़ दो। अभी अगर मैं इस तार को डायरेक्टली ब्लैक में जोड़ दूंगा तो हमारा डायरेक्टली सबमर्सिबल मोटर ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, हाँ, तो ये डायरेक्टली, लेकिन आप क्या करेंगे, हमारे सर्किट के द्वारा हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो हमारे ये जो दो तार हैं, इन दो तार में से एक जो तार है वो हम सबमर्सिबल मोटर के तार को जोड़ेंगे। और दूसरा जो तार है वो नेगेटिव में जोड़ देना है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है। थोड़ा सा बैटरी में अंदर डाल देता हूँ। अभी इस समर्सिबल मोटर को डालना होगा हमें पानी के अंदर। ऊपर देखे पानी डाले। तो चलिए अभी हमने डाल दिया समर्सिबल मोटर को पानी के अंदर, और जो भी पूरा वायरिंग था वो पूरा किया है कंप्लीट। और ये जो तार, दो तार हैं, थोड़ा सा ओके। तो देखिए हमारा अभी सर्किट रेडी है। तो दोस्तों हमारा अभी सर्किट रेडी है, तो आप देखेंगे अभी। ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, जैसे भी हम हाथ सामने आएंगे ऑन हो जाएगा, जैसे हाथ निकालेंगे वैसे। अभी हम क्या करते हैं कि इस ग्लास के अंदर पानी डालने की कोशिश करते हैं। सॉरी मैंने पानी नीचे डाल दिया, मुझे अंदर डालना था जग के ग्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसको इंस्टॉल करके कि कैसे इंस्टॉल होता है। अभी ये सारी जो चीज़ें हैं मैं अच्छी तरह से इसके अंदर फिक्स करूँगा और फिर आगे की बात करेंगे। आखिर में दोस्तों हमारा जो एम था, मैं कार को बिठाने वाला था, मैं बिठा चुका हूँ। आप देख सकते हो हमारे टाटा सुमो के पीछे बिठा चुका हूँ, और जैसे हाथ डालेंगे वैसे पानी आ जाएगा, और जैसे हाथ निकालेंगे वैसे बंद हो जाएगा। थोड़ा सा बंद होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसकी पाइप की जो लेंथ है बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो इसका भी मैं अच्छी तरह से वीडियो आपको समझाऊंगा कि मैं इसके अंदर कैसे इंस्टॉल किया हूँ। तो मुझे फ़िलहाल यही करना था, मुझे कार के पीछे बिठाना था हाथ धोने के लिए, क्योंकि हम काम करते हैं तो सबमर्सिबल मोटर वाइडिंग का, तो हमारे हाथ हमेशा गंदे होते रहते हैं। तो मुझे ऐसा करना था कि हाथ धोने के लिए कुछ तो एक चीज़ मुझे हमेशा के लिए बिठानी थी, तो मैंने बिठा दी है। बस इसी तरह मेरा भी काम हो गया और आपको सिखाने का भी काम हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को जान के,
और इसका एक्सपीरियंस जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को जो कि चीज़ों ऑटोमेटिक हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।